आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन क्वेश्चन हियर इज बेस्ड ऑन द एसर्शन एंड द रीजन एसर्शन का स्टेटमेंट दिया गया है साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स राइट right, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो साइटोप्लाज्म है ये मेन एरिया है सेलुलर एक्टिविटीज का जो प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं रीज़न मैंशनड है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकरीनेट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रीजन का बिल्कुल सही दिया गया है बिकॉज इसमें बोला जा रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो एक सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं राइट और अगर हमें जानना हो कि जो सेल है वो हमारा लिविंग है या फिर नहीं है तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे इसके इनर साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को जिसे हम साइक्लोसिस कहते हैं राइट तो देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इफ बोथ एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजोशन तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट राइट बिकॉज एजर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू दिए गए हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का सेकेंड ऑप्शन दिया गया है बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजोर्शन तो ऑप्शन गलत है थर्ड दिया गया है इज इज ट्रू बट रीजन फॉल्स तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत होता है लास्ट ऑप्शन दिया गया है एंड एंड रीजन आर आर फॉल्स। तो ऑप्शन 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 हमारा गलत है। ओके, सो करेक्ट आंसर रिमेन फर्स्ट अदर द फॉर लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या